शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए जानते हैं कि क्या कहती हैं आपकी राशि और क्या हो सकता है आपके साथ। तो चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर नहीं है। आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुल मिलाकर जो समय है आपके स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। व्यापारिक दृष्टि से समय आपका अच्छा है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में उभर कर आ सकती हैं। खासकर संतान पक्ष को लेकर आप काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों को अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपका जो समय है काफ़ी एंजॉय में बीत सकता है। किसी पुराने व्यक्ति से, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कुछ बड़े स्टेप्स आप ले सकते हैं, कार्य को आगे बढ़ाएं, इसी में आपको लाभ होगा और आपकी चीज़ें बेटर होते जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है और जो हम सोचते वो नहीं हो पाता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्यापार की दृष्टि से आपको अत्यधिक लाभ होगा, जिससे कि आपकी चीज़ें पहले से बेटर होंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। कई बार जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाहें हम पर होती है, जो कोई हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आती है और कई लोगों से हमें निगेटिव वाइब्रेशन भी आता है। तो इस निगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाएं और अपनी चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें। जब क्योंकि जब कुछ कार्य बड़ा होता है तो उसके साथ अच्छाई और बुराई दोनों चलती है, लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि हम अपना आकलन स्वयं ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप ये अधिकार किसी को ना दें कि व्यक्ति आपके ऊपर कोई कमेंट करें या आपका आकलन करें। कुल मिलाकर रिश्तेदारों से सावधान रहें और अपनी चीज़ों को बेटर कर चलें। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में थोड़ी सी स्थिति खराब है। अचानक आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, चीज़ें आपकी नुकसानदायी हो सकती हैं, पैसा भी आपका कहीं फंस सकता है और आपका लिया गया एक गलत निर्णय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। कुल मिलाकर आज आप जितनी भी यात्रा है या कोई बड़ा कार्य करना जान रहे हैं आप, तो उसे टाल दें, ये आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। तो चलिए एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि क्या कहती है। सिंह राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। कर्म आप पर प्रभावी हो रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। थोड़ा रिश्तेदारी से बचे, मित्रों से ज़्यादा आपको सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी मन में हताशा हो सकती है। लेकिन जीवन है, कभी आप कभी डाउन लगा होता है, हताश ना हो, क्योंकि कई बार कुछ हमारे द्वारा की गई गलती और कुछ दूसरों के द्वारा की गई गलती हमारे लिए एक सबक होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं हताश है, मन हताश है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कई दिनों से घर से अलगाव की स्थिति हुई है और अपने घर पर आप नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण भी आपके मन में एक बहुत सारी भारीपन है। इस भारीपन से बचने के लिए स्वास्थ्य को बेटर करें, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन तक जा पाएंगे। व्यापारिक दृष्टि से देखूं तो इस समय आपके लिए अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, आपकी मेलजोल बढ़ाएंगे लोगों से, लेकिन उससे कोई आपको आर्थिक लाभ नहीं होगा। संबंध तो आपके लोगों के साथ सुधर जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत आपको उभर कर आ सकती है। संबंधों को भी लेकर चलें, खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचें। खासकर वाहन धीरे चलाएं और कोशिश करें कि कुछ दिनों तक आप वाहन स्वयं ना चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों को यात्राएं टालनी पड़ सकती हैं। धन का अभाव आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। काम आपका रुक रुक कर होगा, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ते जाएगी और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि आपकी अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो सोच समझ कर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा यह आपके लिए समय भारी हो सकता है। तो चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। कई यात्राएं कर सकते हैं आप। अचानक
नवीन वस्तु की भी आपको प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको घर प्राप्ति के योग हो सकते हैं। कोई वाहन परचेस करना चाह रहे हैं तो आप वाहन भी खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर कुछ दिनों के लिए आपको एक अच्छा समय की शुरुआत हो रही है, इस समय का लाभ उठाएं और अपनी चीजों को बेटर कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, आपको लाभ होगा, कर्म आपका, मेहनत आपकी दिखाएगा और आपकी चीजें पहले से बेटर होकर लोगों के सामने आएंगी। कुल मिलाकर सामाजिक थोड़ा सा स्तर आपका बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता छोटी होती जा रही है, एक जलन की भावना आपके अंदर आपको परेशान कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब शनि हमारे जीवन में आते हैं तो हमें भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो हमारा एग्जाम लेते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे। तो मुझे लग रहा है कि कुंभ राशि वाले भी थोड़े भ्रमित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है और चीज़ों को हमें किस प्रकार लेकर चलना है, क्योंकि जीवन में क्षणिक रहने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छे वो व्यक्ति होते हैं जो हमें हमारे मुंह पर गलत बोलते हैं और हमारी चीज़ों को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सामने बात करें और आपके पीठ पीछे बात करें, उन दोनों व्यक्तियों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। कहा जाता है ना कि निंदक न्यारे राखिए, इसका मेरा कहने का अर्थ है कि अपनी वास्तविकता को आप समझने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से समय आपका सामान्य है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से नॉर्मल हुई है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अभी भी मुझे परेशान आपको करने वाला दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा धन लाभ होगा, बहुत दिनों से रुके हुए कार्य आपके आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आपके मन में थोड़ा सा उत्साह आएगा। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।